नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मॉडल्स में और माइट का प्रयोग। जान लेते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या होता है। मे का अर्थ होता है सकना, और किन किन शब्दों के लिए यूज करते हैं वो भी जान लीजिए। परमिशन, परमिशन यानी अनुमति, विश यानी कोई ख्वाहिश, कोई कामना, ब्लेस ब्लेस यानी आशीर्वाद हो गया, कर्स कर्स यानी हो गया अभिशाप, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी यानी हो गई संभावना, होप होप यानी उम्मीद हो गई, और पर्पज यानी हो गया उद्देश्य। तो इनके लिए हम यूज करते हैं। देखिए, एक सूत्र तैयार किया गया है आपकी सुविधा के लिए कि आप अच्छी तरह से आराम से समझ सके मे का प्रयोग। देखिए वो क्या है, पप्पी की डब्ल्यू बी सी पर्पज फुल है। क्या है सूत्र, क्या है? देखिए, पप्पी की डब्ल्यू बी सी पर्पज फुल है, किस तरह से देखिए आप समझ जाएंगे। पी फॉर हो गया पॉसिबिलिटी, और पीई परमिशन से, डब्ल्यू बी सी हो गया विश, ब्लेस कर्स हो गया, और पी से हो गया पर्पज हो गया, एच हो गया वो हो गया होप हो गया। देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है फॉर गिविंग एंड आस्किंग परमिशन, परमिशन परमिशन नहीं पढ़ेंगे, परमिशन पढ़ेंगे, अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मल परमिशन, आपको ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं वो मॉडल कैन का प्रयोग होता है। तो देखिए सेंटेंस है, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। दूसरा है यू मे गो ना, या यू मे गो होम, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो। तो इसमें अनुमति दी जा रही है। और पहले वाला सेंटेंस है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो उसमें अनुमति मांगी जा रही है। तो एक में परमिशन लेने के लिए यूज करें, दूसरे में परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना अभिव्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आकाश में बादल है, और ऑब्वियसली बारिश वाले बादल होंगे इसलिए कह रहे हैं ये, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आकाश में बादल है तो बारिश होगी। नेक्स्ट है फॉर विश ब्लेस और कर्स, ख्वाहिश के लिए, कामना के लिए ब्लेस हो गया आपका आशीर्वाद हो गया, कर्स हो गया अभिशाप। जैसे पहला सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो या चिरंजीवी रहे, आप चिरंजीवी रहे, आप दीर्घायु हो, आप 100 साल के होकर मरे, इस तरह से सेंटेंस जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, कर्ज दी जाती हैं, या फिर कोई ये कहता है कि आप भाड़ में जाओ, आप नरक में जाओ, आप चुलबुल पानी में डूब मरो, या फिर कोई आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें विश ब्लेस और कर्ज आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या है, विश है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, भगवान आपको बुद्धि प्रदान करे, भगवान आपको ताकत बुद्धि ताकत प्रदान करे, भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे भी हिंदी में वाक्य आपने बहुत सारे सुन रखे होंगे। तो उनमें क्या होता है, ब्लेस होता है, क्या होता है, ब्लेस होता है, एक आशीर्वाद उनमें छुपा रहता है। फिर है नेक्स्ट है मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। जैसे व्यक्ति ने काम किया है तो किसी ने कहा होगा ऐसा कि उसने यदि दूसरे का बुरा किया है तो वो यही कहेगा, उसका मन से एक ही अभिशाप निकलता है कि वो नरक में जाए, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं मे यू गो टू हेल। देखिए यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि आप जो तीनों सेंटेंस देख रहे हैं उसके लास्ट में आपको एक चीज दिखाई देगी, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये भी एक विशेषता है जो आप थोड़ा सा पहचान सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है टू शो पर्पज, पर्पज यानी होता है उद्देश्य, उद्देश्य दर्शाने के लिए आप यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, बहुत बार ऐसा ऐसा रिपीट कर देते हैं एग्जाम में ये सेंटेंस, ये कहता है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो कि तुम पास हो सको, ये सीधी सी बात है, कठिन मेहनत करोगे तभी तुम सफल होगे, जैसे वो कोई सा ही सेक्टर हो, कोई सा ही काम हो। नेक्स्ट है वी ईट सो देट वी मे लिव, हम खाते हैं इसलिए कि हम जीवित रह सके, सीधी सी बात है कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, यानी कहने का मतलब खाने के बड़े शौकीन हुआ करते हैं, खाना उनको पसंद होता है इस तरह से। नेक्स्ट है होप, होप यानी आशा उम्मीद, अब ये कहते हैं मैं शी होम रिटर्न, काश वो घर सुरक्षित लौटे, यानी ऐसे उम्मीद की जाती है वो घर एकदम सुरक्षित लौटे,
कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, रास्ते में किसी प्रकार की कोई कठिनाई कोई समस्या नहीं आया, आराम से घर लौट सके। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें आशा की जाती, उम्मीद की जाती, वहां हम मे का यूज करते। देखिए मे का पास्ट टेंस होता है वो होता है माइट। क्या होता है? माइट होता है, मे का पास्ट टेंस है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो दूरस्थ संभावना के लिए। दूरस्थ संभावना को क्या कहेंगे हम? रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना बहुत कम हो, नए के बराबर संभावना। सेंटेंस देखिए, द स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश अब साफ है, कोई बादल नहीं है उसमें, और फिर भी ये उम्मीद करता है, इट माइट रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है, कम पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे आप यूज करते हैं मॉडल माइट का यूज करते हैं। दूसरा ऐसा ही सेंटेंस है, यू माइट विन ए कार, यू माइट विन ए कार इन लॉटरी, आप लॉटरी में एक कार जीत सकते हैं। तो बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ही लकी जो व्यक्ति होते हैं हजारों लाखों में तो चांसेस बिल्कुल कम हो गए, तो जो पॉसिबिलिटी हो गई वो काफी दूरस्थ हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोलाइटनेस हेजिटेशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य में पोलाइटनेस के लिए और हेजिटेशन के लिए आप यूज करते हैं माइट का यूज। जो हेजिटेशन हो, हिचक बहुत ज्यादा हो, शरमाने में आप झिझक रहे हो, कोई चीज कहने में झिझक रहे हो और विनम्रता हो, तो आप ऐसे सेंटेंस में माइट का यूज कर। जैसे ये माइट आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, यानी वो किसी को काम हो, कहीं चलाने जाना होगा। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें हम यूज करते हैं जब हेजिटेशन हो, पोलाइटनेस हो, विशेष रूप से इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तो उनमें हम यूज करते हैं। देखिए सबसे जो अलग है इसमें वो है नरेशन में यूज करते हैं। नरेशन में कैसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट का, जो हमने बनाया है वो है इनडायरेक्ट का। कैसे आप समझिए इसको, समझने के लिए आप पहले से बनाए गए वीडियोस की मदद ले सकते हैं इसी चैनल पर। देखिए यहाँ सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को हमें बदलना है टोल्ड में बदलना है, क्योंकि सारे परिवर्तन हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार करने हैं। ठीक है, वो हम कर देंगे, टू हटा देंगे। ये देखिए सेड टू को हमें बदलना है टोल्ड में, जो हमने बदल दिया है। दौड़ने के लिए, सेंटेंस को दौड़ने के लिए हम यूज करेंगे कनेक्टिव दैट का, जो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आई है वो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस, सी का भी सब्जेक्टिव केस ये होता, तो हमने लिख दिया सी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना, देखिए तो मे को आप क्या करेंगे, माइट में बदल देंगे, क्योंकि मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। देखिए मेनुए की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को बदलते हैं इसके अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। इस तरह से हम बदलते हैं। तो ये आज के प्रयोग थे मे और माइट से संबंधित जो हमने स्टडी करे हैं।